दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आजकल ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें लोगों को बातों में उलझा कर उनके एटीएम से पैसे उड़ा देते हैं चोर। आज ऐसा ही एक मामला सामने आया है। कोतवाली पुलिस ने एक ऐसे युवक को गिरफ्तार किया है जो भोले वाले लोगों को अपनी बातों से उलझा कर धोखे से एटीएम बदलकर उनके खाते से रुपए निकालने वाले सातिर ठग को कोतवाली थाना पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। कोतवाली थाना अधिकारी गंगाराम खावा ने बताया कि 8 जनवरी को महिला कमला निवासी जोगेश्वर कुआं ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया कि मैं ICICI बैंक के एटीएम से पैसे निकालने के लिए गई थी। वहां पर पहले से एक अज्ञात व्यक्ति मौजूद था। एटीएम से पैसे विड्रॉल करने का प्रोसेस धीरे चल रहा था। इस दौरान अज्ञात व्यक्ति ने कहा कि आपकी पर्ची नीचे गिर गई है। जैसे ही महिला पर्ची लेने के लिए नीचे झुकी तो तुरंत ठग ने दूसरा एटीएम डालकर चला गया और उसके बाद महिला के खाते से 47,000 का फ्रॉड ट्रांजेक्शन हो गया। कोतवाली थाना पुलिस ने महिला की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर अज्ञात मुलजिम की तलाश शुरू की और भद्रराम हेड कांस्टेबल की टीम ने कार्रवाई करते हुए तकनीकी सूचना के आधार पर संदिग्ध भरत कुमार निवासी चितलवाना को दस्तयाब कर उसे गहन पूछताछ की तो उसने इस वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया। इसके बाद कोतवाली थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अब पैसे बरामद करने का प्रयास कर रही है। वहीं आरोपी भरत कुमार पुत्र कानाराम जाति माली निवासी चितलवाना के खिलाफ पहले से इस तरह की ठगी के 17 मुकदमे दर्ज है। आरोपी भरत कुमार आले दर्जे का एटीएम चोर व ठग है और गुड़ामाला क्षेत्र में भी इस तरह की ठगी करने के फिराक में था, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने करीब 18 इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देना स्वीकार किया है। एटीएम चोरी और ठगी के मामले में पहले भी कई बार जेल जा चुका है। आगे इस वीडियो में सुनिए पुलिस थाना कोतवाली अधिकारी ने क्या कहा है। जुड़े रहे हमारे साथ हर छोटी से बड़ी खबर के लिए अशोक सेरा टीम से, मैं आपका साथी जसवंत सिंह शिवकर। दिनांक 8/12/2023 को कमला पत्नी अशोक कुमार जाट उसने रिपोर्ट दी कि मैं एटीएम ICICI बैंक के एटीएम से पैसे विड्रॉल करने के लिए एटीएम लेकर गई थी और एटीएम डाल करके मशीन में और पैसे निकालना चाह रही थी। मशीन टेक्निकल एरर की वजह से धीरे चल रही थी। उसने कैंसिल कर दिया ट्रांजेक्शन और पर्ची निकली तो पर्ची नीचे गिर गई। वो पर्ची नीचे लेने के लिए झुकी, इतने में पीछे जो भी खड़ा था व्यक्ति उसने एटीएम उसका बदल लिया, बदल करके वहाँ से निकल गया और थोड़ी देर बाद उसने 47,000 रुपये उसके एटीएम से विड्रॉल कर लिया और एक पेट्रोल पंप पे 7,000 का डीजल भी भरवाया। उस पर प्रकरण दर्ज हुआ था। प्रकरण दर्ज के बाद भद्रराम हेड कांस्टेबल ने तफ्तीश की और उन्होंने अनुसंधान से मुलजिम भरत कुमार जो चितलवाना का हिस्ट्री सीटर है जिसके खिलाफ पूर्व में 17 प्रकरण दर्ज है और ठगी का आदि है, मास्टरमाइंड है, उसको गिरफ्तार किया और पुलिस रिमांड पर लिया 3 दिन और अब रिकवरी के प्रयास किए जा रहे हैं और कहां कहां घटना की कैसे की उसके संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है।